तो आज हम लोग क्लास 11 पाठ गणितीय आगमन का सिद्धांत की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 7 से करेंगे। तो देखिए इसको भी जैसे पहले अभी तक क्वेश्चन किए हुए हैं वैसे इसी इसको भी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पूरे कथन को हम क्या मानते हैं, माना पी एन, है ना, पूरे कथन को हम पी एन मानेंगे। तो जगह 1 × 3, 3 × 5, है ना, जो डॉट होता है वो गुणा होता है, 5 × 7 प्लस 2n − 1, 2n + 1 बराबर n 4n² प्लस 6n − 1 / 3, ठीक ना। तो इसको पहले हमने pn मान लिया, अब हम इसको n = 1 के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक कि ये कथन सत्य है। तो n = 1 के लिए है तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए बाई तरफ क्या होता है कि n = 1 का मतलब होता है कि पदों की संख्या 1 है ना, हम एक पद इसको लेंगे हम केवल, ठीक ना। तो हम इसको ले लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा p1, ये हो जाएगा 1 × 3, ठीक ना, बराबर, और यहाँ पर हम n का मान 1 रख देंगे, तो 1 = 4 × 1² प्लस 6 × 1 − 1 / 3, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 बराबर, अब ये जगह देखिए 6 × 6 = 4, तो 6 × 4 = 10, 10 में 1 कम हुआ 9/3 बराबर, 1 × 3 आ गया, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हमको 3 = 3 प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे n = 1, है ना, जो सत्य है, ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक, k के लिए माना p के सत्य है, है ना, p के सत्य है। तो हम जहाँ पे n है वहाँ पर हम k रखेंगे, अब तो लिखेंगे p k 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, और यहाँ लिखेंगे 2k − 1, 2k + 1 बराबर k 4k² प्लस 6k − 1 / 3, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने k k के रूप में इसको लिख लिया। अब हम k + 1 के लिए सिद्ध करेंगे इसको, तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे, पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना। तो इसको चेक करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन, तो हम पहले पी यहाँ के प्लस वन लिखेंगे, और देखिए पहले ये जो लिखा हुआ है वो के पद है, ठीक ना, हमको एक ज़्यादा पद चाहिए, तो हम देखें यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं, 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, और ये 2k − 1, 2k + 1, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, k पद हैं, ठीक ना। अब हमको k + 1 पद भी चाहिए, तो हम इसके आगे k + 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जहाँ भी n है वहाँ पर हम k + 1 रखेंगे, तो देखिए रखते हैं 2, ये हो गया k + 1 − 1, और ये हो जाएगा 2k + 1 − 1, ठीक ना, बराबर यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा k + 1, और ये हो जाएगा 4k + 1² प्लस 6k + 1 − 1, ठीक ना, बटे ये 3 हो गया, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को लेके चलेंगे और हमको दाएं पक्ष में ये प्राप्त होना चाहिए, ये के पद है और ये हमने जो लिखा ये k+1 पद है, तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक k+1 पद
हो गया, ठीक ना। अब हम इसमें देखें, इसको हम लिखेंगे, ये बायां पक्ष है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बायां पक्ष है। बाएं पक्ष को लिख कर हम इसको हल करेंगे कि हमारा दायां पक्ष आ जाए। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं बायां पक्ष, ठीक ना। इस बाएं पक्ष में हम इसको पूरा लिखेंगे एक बार, ठीक ना। जय है कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो जब हम इसको पूरा लिख लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान तो ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पर इसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं के 4k² + 6k - 1, ठीक ना। प्लस ये बटे 3 है और प्लस में ये है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, 2k + 2k, 2 में से एक गया 1, तो इस प्रकार आ जाएगा ये 2k + 1। और ये आ जाएगा देखिए 2k, 2 दोनों माइनस नहीं, एक प्लस होगा, ठीक ना। तो 2k और +1 मतलब 2k + 3 हो जाएगा, ये 2k + 3 हो गया, ठीक ना। तो अब इसको हल करेंगे, हमको ये दायां पक्ष आना चाहिए, तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं पहले। 4 देखिए क्या करेंगे हम, इसको हम अंदर इनटू भी करते चल रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4k³ + ये हो गया 6k² - k, ठीक ना। ये तो आपस में हल कर लिया, जब इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 यहाँ भी लिखा जाएगा, +3। और इसका अंदर भी गुणा भी करते चलेंगे, तो देखिए गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बटे 3 पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लघुत्तम ले ले रहे हैं, इसका गुणा कर ले रहे हैं। देखिए 2 × 2 = 4k² और 2 × 3 = 6k, ठीक ना। इसका गुणा इसमें दोनों में कर लिया और एक गुणा इसमें करेंगे तो +2k + 3, ठीक ना। ये किया, इसका लघुत्तम ले लिया था, इसका आपस में दोनों गुणा कर लिया, इसके एक अंदर गुणा कर लिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाता है, 4k³ + 6k² - k+। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 4 × 12 k² + 6 × 3 = 18 k + 3 × 6 = 9/3। तो देखिए जो हल हुआ लिख लेंगे 4k³, ठीक ना, किला है इसलिए एक बार लिख लिया। और देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, 12 × 6 = 18, तो इसको 18k² लिख लेते हैं, 18k². अब देखिए ये 8 × 6 = 14 + 10 = 24, ठीक ना। 24 में कम हुआ तो 23k आ गया, +9/3 हो गया। तो ये हमारा बायां पक्ष को हल करने पर प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसको भी अगर हम हल कर लेते हैं तो इसके बराबर आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो इसको भी देखिए हल कर लेते हैं, हम दाएं पक्ष को भी हल कर ले रहे हैं यहीं पर, ठीक ना। तो देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, k+1 ये किनारे हैं, पहले हम इसको हल कर लेते हैं अंदर का। तो ये हो जाएगा देखिए a + b का होल स्क्वायर कर लेते हैं पहले, तो लिखिए a² + b² + 2k + 6k + 6 - 1। ये हो जाएगा k+1। अब इसका अंदर गुणा करते चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4k² + 4 + 4 × 8k + 6k + 6 - 1, ठीक ना। 6 में से 1 गया तो ये 5 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक ना। तो ये 5 हो गया, ठीक ना। इसका गुणा कर लिया 6k + 1 और ये -1, ठीक ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, बटे 3 है ही, बटे 3 लास्ट में लिख देंगे। जब k का इंटू करेंगे तो देखिए क्या जाएगा, 4k³ + 4k, देखिए यहाँ पे 5, 4, 9 हो जाएगा ये, ठीक ना। चाहे तो अगली बार लिख देंगे, ये 5 और 4, 9 है, ठीक है ना। इसको पहले बार लिख लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो ये जाएगा k+1, ये हो गया 4k² + ये हो जाएगा 8, 6, 14 k और ये 5, 4, 9 ऐसे। अब गुणा करते हैं इसका, देखिए k का गुणा करेंगे तो 4k²³ हो जाएगा, प्लस ये 14k² हो जाएगा, प्लस 9k हो जाएगा, ठीक ना। पहले k गुणा किए हैं, फिर अब 1 का गुणा कर लेते हैं, तो +4k² + 14k + 9, ठीक ना। ये 9 है, यहाँ लिख दें +9, ठीक ना, ब्रैकेट लाने की जरूरत भी नहीं। अब बटे 3 है, ठीक।
ठीक ना, बटे तीन में है, बटे तीन हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। अब देखिए 4k³ प्लस 14, ये 18 हो जाएगा, 18k² प्लस और 14 और 9 ये हो जाएगा 23k और ये प्लस 9, अब बटे तीन। आप तीन हर जगह लिखते चले जाएगा, जगह कम था इसलिए हमने इसको पूरा नहीं लिखा था, लास्ट में तीन लिख दिए हैं, ठीक ना। देखिए दायां बायां दोनों आ गया, तो इस हिसाब से अब इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मिटा लेते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार, इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कथन pn सत्य है, ठीक ना। तो ये लास्ट में लिखते ही हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है ये, तो इसको हम पूरे कथन को क्या मानेंगे, पी एन। तो लिख लेते हैं पी एन 1.2, 2.2 का स्क्वायर, 3.2 का क्यूब है ना, प्लस एन तो 2 के घात एन बराबर एन माइनस 1 2 के घात एन प्लस 1 प्लस 2, ठीक ना। ये हमने यह पी एन पूरा मान लिया। अब लिखेंगे एन बराबर 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या करेंगे, देखिए बाएं पक्ष में क्या होता है, एन बराबर 1 का मतलब पहला पद, ठीक ना। तो पहला पद क्या है, 1 × 2 मतलब 2 लिखा हुआ है, तो लिखते हैं पी वन, यहाँ हो जाएगा 1 × 2 बराबर, यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, एन का मान 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 2 के घात 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक ना। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 × 2 हो जाएगा बराबर, देखिए 1 में 1 गया 0 और 0 के साथ कुछ भी हो तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 आया। तो इस प्रकार ले सकते हैं जो कि सत्य है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, 2 2 आ गया दोनों तरफ, तो जो सत्य हो गया। अब लिखेंगे हम किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है, तो इसमें पी के सत्य है, तो क्या करेंगे, पूरे को हम के रूप में बदल लेंगे, लिखेंगे पी के 1.2 2.2 का स्क्वायर 3.2 के घात घन क्यूब है प्लस एन का स्थान पर के लिख देंगे हम लोग, के 2 के घात के बराबर के माइनस 1 2 के घात के प्लस 1 प्लस 2, ये तो हमने के रूप में लिख लिया। अब हम सिद्ध करेंगे के प्लस 1 सत्य है, तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस 1 सत्य है। तो क्या करेंगे, हम के प्लस 1 पद तक लेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं पी के प्लस 1, तो के पद तो ये लिखा हुआ है, तो हम इसको देख कर लिख देते हैं यहाँ पर 1.2 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब प्लस के 2 के घात के प्लस, देखिए यहाँ तक तो हो गया के पद आ गया, अब हमको के प्लस 1 पद प्राप्त करना है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर n का स्थान पर के प्लस 1 रख देंगे, तो ये जाएगा के प्लस 1 2 के घात के प्लस 1 बराबर, यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, के आप प्लस 1 रखेंगे और एक माइनस 1 है तो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक ना। देखिए यहाँ रख के दिखा दे रहे हैं, ये रखा ठीक ना, यन के स्थान पे के प्लस वन रखा और ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए के हटा दिया हमने, केवल के बचा और ये हो जाएगा दो के प्लस टू हो जाएगा, है ना, के प्लस वन टू हो जाएगा और प्लस टू हो गया, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, हम इसको बायां पक्ष लेके चलेंगे और दायां पक्ष में हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं बायां पक्ष, बाएं पक्ष में देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको पूरा लिख लेंगे और देखिए हम यहीं से हल करते हैं। देखिए इसका मान देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये दिया हुआ है, देखें ये दिया है, इसका मान ये पूरा दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हम ये लिख लेते हैं यहाँ। तो देखिए लिखेंगे के माइनस वन दो के घात के प्लस वन और प्लस टू, ठीक ना। और ये जो लिखा है इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर के प्लस वन दो के घात के प्लस वन, ठीक ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं अंदर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा के दो के घात के प्लस वन, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस दो के प्लस वन, ठीक ना। इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया प्लस टू, फिर यही काम इसमें भी करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो के दो के घात के प्लस वन आया, इसका गुणा एक में करेंगे तो यही आ जाएगा दो के प्लस वन आ जाएगा। तो इसको देखिए ये चीज़ देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये है ना सेम सेम है, तो एक और एक दो होता है, ठीक ना। या तो क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर एक और एक दो है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये सेम चीज़ लिखा है, एक दो बार लिखा है, तो हम इसको ले सकते हैं टू के प्लस वन और प्लस टू लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये क्या है, ये टू के घात एक है ये, ठीक ना, दो के घात एक है और दो के घात के प्लस वन है, तो क्या करेंगे दोनों घात ये, ठीक ना, इसको चाहें तो हम इधर इधर उधर कर लेते हैं, देखिए के को हम ना यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना, ऐसे समझ में आएगा, दो के घात एक दो के घात के प्लस एक प्लस टू, देखिए सेम आधार है तो घात इसका उसका दोनों जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा दो के घात के प्लस टू प्लस टू। तो देखिए ये दायां पक्ष आ गया अपना, तो लिखेंगे दायां पक्ष, ठीक ना। तो इसके बाद लिखेंगे हम लोग, जैसे यहां लिखते हैं हम लोग इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी प्राकृत संख्याओं यन के लिए कथन पी एन सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर आठ हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर नौ देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर नौ है तो इसको हल करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, हम पूरे कथन को पी एन मानेंगे, ठीक ना, जो अभी तक कैसे मानते चले आए हैं, पी एन बराबर एक बट्टे दो एक बट्टे चार एक बट्टे आठ प्लस एक के घात दो बटे दो के घात एन बराबर एक माइनस दो के घात एन, ठीक ना, इसको पी एन मान लिया। अब हम लिखेंगे एन बराबर एक के लिए, तो एन बराबर एक के लिए, तो जहाँ एन है वहाँ हम एक रख देते हैं और बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में हमने बताया था एन बराबर मतलब पदों की संख्या होती है, तो अगर एन बराबर एक मतलब एक पद, तो एक पद क्या है ये एक बटे ये दो है बराबर, अब यहाँ पर हम रख लेते हैं एक की घात दो के घात एन, है ना, जो एन है वहाँ पर एक रख लेंगे, तो मतलब एक माइनस एक बटे दो, तो इसका मतलब एक बटे दो बराबर, देखिए एक बटे दो का मतलब दो की घात एक का मतलब दो ही होता है, तो एक में आधा गया या दो एक कम दो, दो में एक कम हुआ तो एक बटे दो, देखिए ये आ गया, तो लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है,
ठीक ना, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे, अब लिखेंगे किसी किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है, ठीक ना। तो हम जहां पर भी एन है वहां पर हम के ले लेते हैं, पी के एक बटे दो प्लस एक बटे चार प्लस एक बटे आठ प्लस एक बटे दो के घात के बराबर एक माइनस एक बटे दो के घात के हो गया, ठीक ना, सिंपल के मान लिया। अब हम लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना। तो अब हम देखिए यहाँ से यहाँ तक तो के पद है और हम के प्लस वन पद भी लेंगे। तो देखिए लिखा पी के प्लस वन एक बटे दो एक बटे चार एक बटे आठ प्लस एक बटे दो के घात के, यहाँ तक तो के पद हो गया। और जब हम के प्लस वन पद लेंगे तो लिखेंगे वन एक बटे दो के घात के प्लस वन लिख लिया, ठीक ना, प्लस वन लगा लिया बराबर एक बटे एक माइनस एक बटे दो के घात के प्लस वन लिख लिया, है ना। के प्लस वन प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर के प्लस वन रख लिया तो के प्लस वनवा पद आ गया। यहाँ से यहाँ तक के पद, ये हो गया के प्लस वनवा पद, तो कुल मिला के कितने हो गए, के प्लस वन पद, है ना। देखिए इसको ऐसे, ये हो गया हमारा के पद, ठीक ना, और ये हो गया के प्लस वन पद वा पद, ठीक ना। तो इस प्रकार जब मिला के लिखेंगे ना इसको पूरा, यहाँ से अब तक क्या हो गया, तो हो गया के प्लस वन पद हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार निकालते हैं और हमने यहाँ पर भी के प्लस वन रख लिया। अब हम बायां पक्ष लिखेंगे और इसको हल करते हुए दायां पक्ष लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए बायां पक्ष क्या लिखा है, एक बटे दो प्लस एक बटे चार प्लस एक बटे आठ प्लस एक बटे दो के घात के प्लस एक बटे दो के घात के प्लस वन, ठीक ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान तो ये रहा, ये दिया हुआ है ना। तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे एक माइनस एक बटे दो के घात के, ठीक ना, प्लस अब इसको लिख देते हैं हम के प्लस वन लिख लेते हैं, ठीक ना। अगर हम इसका लघुत्तम लें, देखिए हल कर लेते हैं सरल में करेंगे, एक माइनस एक बटे दो के घात के हो गया प्लस, इसको हम ब्रेक कर लिख सकते हैं ये और दो के घात एक, ठीक ना। इसको हल करेंगे तो ये वापस प्राप्त हो जाएगा, इसको ब्रेक करके इसको हल करेंगे देखिए ये के प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब ये लघुत्तम लेने में परेशानी नहीं होती है। देखिए अब हमको समझ में आ रहा है इसका लघुत्तम क्या हुआ, दो के घात के और ये दो आएगा, ठीक ना। लघुत्तम में जो बड़ा होता है उसको लिखा जाता है। अब देखिए जब इसका लघुत्तम लेंगे तो देखिए पूरा ये यहाँ जाएगा दो के घात के और ये दो के घात एक माइनस, जब इसमें इसको भाग करेंगे तो ये वाला तो पद कट जाएगा, बस दो बच जाएगा, तो दो एक कम दो हो जाएगा प्लस, जब इसका इसमें भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, है ना। नीचे वाले का भाग करते हैं और जो आंसर आता है उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं, जब इसका इसका भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, वन गुणा वन गए तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें हो जाएगा ये हो गया दो के घात के प्लस वन हो गया ये तो, ठीक ना, और ये हो जाएगा माइनस वन बटे दो के घात के प्लस वन लिख सकते हैं हम इसको। अब क्या करेंगे हम, दो के घात के प्लस वन से भाग कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, या तो बांट दीजिए इसको, तो ये लिख सकते हैं दो के घात के प्लस वन बटे दो के घात के प्लस वन माइनस एक बटे दो के घात के प्लस वन, एक सेम चीज़ है तो कट के कैंसिल है, एक माइनस एक बटे दो के घात के प्लस वन आ गया। तो देखिए हमारा दायां पक्ष आ गया, तो लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा आता है, अंत में जो नहीं लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार पी के प्लस वन
सत्य है। जब कभी पी के सत्य है। इस प्रकार अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी जो पहले लिखते हैं इसी को, इसको याद कर लीजिएगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पी एन है, ये पी एन सत्य है। ठीक ना, तो ये लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 भी हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है ये, तो इसको भी हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले माना पी एन, पुराकथन को पी एन मानेंगे, 1/2 × 5 या 1/5.8 प्लस 1/8.11 प्लस 1/3n-1 3n+2 बराबर n 6n+4। ठीक ना, अब लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे P1, और इसका मतलब होता है कि ये बाईं तरफ में पहला पदों की संख्या है। तो एक पद हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2.5 बराबर, वहाँ पर हम 1 रख देते हैं, ये हो जाएगा 6×1+4। तो इस प्रकार ये आया, देखिए 5×2 10 बराबर 1/6 × 6 = 10। ठीक ना, जो कि सत्य है, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसलिए n बराबर 1 सत्य है। अब हम लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक k के लिए माना p के सत्य है, है ना। तो पी के मान लेंगे, सबको पी के रूप में लिख लेंगे, तो पी के 1/2.5 प्लस 1/5.8 प्लस 1/8.11 प्लस यहाँ लिखेंगे 2k, ये हो जाएगा 3k-1 और 3k+2 बराबर k/6k+4। ठीक ना, सबको n को k में बदल लिए। अब लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे p k+1 सत्य है। तो यहाँ से यहाँ तक तो k पद है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे p k+1 1/2.5 1/5.8 प्लस 1/8.11 प्लस 1/3k-1 3k+2। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक k पद हो गया। अब हम k+1 पद भी लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n के स्थान पर k+1 रखेंगे, तो हो जाएगा 3k+1-1 और यहाँ हो जाएगा 3k+1-2 बराबर, और यहाँ लिख देंगे तो लिखेंगे k+1/, और यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 6k+1 और +4। ठीक ना, यहाँ पर भी n है, वहाँ पर ही k+1 रख दिए हैं। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। तो एक बार हल कर लेते हैं, दोनों तरफ हल करना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2.5 1/5.8 1/8.11 प्लस
एक बटे थ्री के माइनस वन, थ्री के प्लस टू प्लस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बटे तीन एकम तीन और तीन एकम तीन, तीन में एकम हुआ तो दो, तो थ्री के प्लस टू और ये हो जाएगा तीन एकम तीन, तीन दो पाँच, तो थ्री के प्लस फाइव बराबर ये हो जाएगा के प्लस वन बटे छः एकम छः, छः के प्लस छः एकम छः और एक चार दस, तो ये प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब हम इसका बायां पक्ष लेके हल करेंगे और हमको दायां पक्ष प्राप्त होना चाहिए। तो हम देखिए बायां पक्ष अगर हम लें, देखिए बायां पक्ष में है, देखिए ये पूरा है ना, इसको पूरा हमको बायां पक्ष में लिखना होता है। लिख कर हम देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मान दिया हुआ है, देखिए ये पूरा मान दिया हुआ है के बटे, ठीक ना, तो इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लिखेंगे के बटे सिक्स के प्लस फोर, ठीक ना। और इसका देखिए जो लिखा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, एक बटे थ्री के प्लस दो और थ्री के प्लस फाइव, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दो दो कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पर देखिए दो निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा थ्री और ये बचेगा दो, ठीक ना। समय जह कम है इसलिए मैं यहाँ यहीं पर निकाल दिया, आप चाहते हैं कि स्टेप और आगे लिख सकते हैं। अब देखिए लघुत्तम ले लेते हैं इनका, तो इनका लघुत्तम हो जाएगा दो थ्री के प्लस टू और थ्री के प्लस फाइव, ये लिख लिया। अब देखिए लघुत्तम लेंगे तो ये और इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसका उड़ा इसमें कर लेंगे, थ्री के प्लस फाइव और ये दोनों कट जाएगा तो केवल दो बच जाएगा, तो दो लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो कहेगा थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस टू बटे थ्री, थ्री के प्लस टू और थ्री के प्लस फाइव, ठीक ना। तो हमको देखिए लाना क्या है, ये लाना है, इसमें टू कॉमन निकालेंगे तो थ्री प्लस ये आ जाएगा, ये वाला पद आ जाएगा, ये और ये, तो देखिए ये टू है, ये टू लिख आया हुआ है, बस हमको ये वाला एक्स्ट्रा में है तो इसको ऊपर गुणनखंड करेंगे ना तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे। तो देखिए इसी को हल कर लेते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसे गुणनखंड करेंगे तो तीन दूनी छः, थ्री के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा थ्री के प्लस टू के प्लस टू, ठीक ना, गुणनखंड कर ले रहे हैं। देखिए नीचे वाला हम अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लिखे साथ में लिखते चले जाएगा, हम बस का गुणनखंड करने के बाद नीचे वाला लिख देंगे, तो ये जाएगा थ्री के के प्लस वन प्लस टू, ये हो जाएगा के प्लस वन, ठीक ना। फिर बटे में देखिए क्या जाएगा, के प्लस वन बटे सॉरी थ्री के प्लस टू आया, ठीक ना, बटे में हम अब लिख दे रहे हैं, तो ये आया है टू थ्री के प्लस टू और थ्री के प्लस फाइव, ठीक ना। तो ये देखिए सेम चीज़ आ गया, तो ये चीज़ कट गई, ठीक। और ऊपर क्या बचा, तो देखिए बचा के प्लस वन बटे, और इसका अंदर गुणा कर लीजिए तो तीन दूनी छः और पाँच दूनी दस, तो ये हमारा दायां पक्ष आ गया, ठीक ना, तो दायां पक्ष में आ गया। तो इस प्रकार जो नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं कि इस प्रकार, देखिए इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है ना, लिखते हैं जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना, यही लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए दिया गया कथन या कथन पी एन सत्य है, ठीक ना। बस इसके आगे जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 है ये, तो इसको हल करते हैं। तो इसके लिए पहले मान लेते हैं, माना पी एन है ना, इसको पूरा कथन को पी एन मानते हैं हम लोग, एक बटे एक डॉट दो डॉट तीन प्लस एक बटे टू थ्री फोर, एक बटे थ्री फोर फाइव प्लस एक बटे एन एन प्लस वन एन प्लस टू बराबर एन एन प्लस थ्री बटे
फोर एन प्लस वन एन प्लस टू, ठीक ना। तो इसको लिख लिया पूरा कथन पी एन मान लिया। अब लिखेंगे पी सॉरी एन बराबर एक के लिए, एक के लिए, एक के लिए, तो लिखेंगे पी वन और बाई तरफ क्या होता है पहला पद, तो पहला पद क्या है एक गुड़े दो गुड़े तीन बराबर, अब हम वहाँ रखेंगे एक, एक प्लस तीन बटे चार, एक प्लस एक, एक प्लस दो बराबर, है ना। इसका क्या होगा तीन दूनी छः हो जाएगा बराबर तीन और एक चार बटे चार गुड़े दो गुड़े तीन एक बटे छः, ये चार चार कट गया एक बटे छः प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे जो सत्य है। ठीक ना, जो सत्य है। अब लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना P के सत्य है, तो हम जहां n लिखा हुआ है वहां हम k लिख लेते हैं, तो लिखेंगे P के एक बटे वन टू थ्री दो बटे तीन चार पाँच, एक बटे तीन चार पाँच, ये हो गया k, k प्लस वन k प्लस टू बराबर k, k प्लस थ्री फोर k प्लस वन k प्लस टू, ठीक ना। अब हम लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना। तो k प्लस वन करेंगे तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर, पहले k पद लिख लेते हैं, एक बटे एक दो तीन, एक बटे दो तीन चार, एक बटे तीन चार पाँच, प्लस एक बटे k, k प्लस वन k प्लस टू, प्लस देखिए यहाँ से यहाँ तक k पद हो गया, ठीक ना। अब हम k प्लस वन पद भी लिखेंगे, तो इसमें हम जहाँ n है वहाँ पर हम k प्लस वन रखेंगे, तो हो जाएगा k प्लस वन, यहाँ पर रखेंगे तो k प्लस टू हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो k प्लस थ्री हो जाएगा बराबर, यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा k प्लस वन और k प्लस फोर बटे फोर, k प्लस टू और k प्लस थ्री प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसका बायां पक्ष लेके चलते हैं, ठीक ना। तो देखिए बायां पक्ष में ये है पूरा बायां पक्ष है, इसको आप पहले लिख लीजिएगा फिर इसके बाद हल करिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए ये मान दिया हुआ है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इसको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे के के प्लस थ्री बटे फोर के प्लस वन के प्लस टू प्लस, और ये जो बचा है इसको लिख लेते हैं, एक बटे के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री, ठीक ना। तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो देखिए लघुत्तम क्या प्राप्त होगा हमको, आएगा के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री प्राप्त होगा। देखिए जब भाग करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगा, जब इसका उड़ा इसमें कर लेते हैं फिर, तो ये हो गया के के प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस, और देखिए इसमें क्या है ये पूरा तीनों कट जाएगा, केवल ये चार बच जाएगा, तो चार लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक ना, प्लस फोर ए स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ टू ए बी तीन दूनी छः के, ठीक ना। अब बटे में देखिए पूरा लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ बटे में नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको ऊपर वाला अंश वाला ही हल कर दे रहा हूँ, जब इसका गुणा इसमें करेंगे
तो आपको 3 की घात 3 बचेगा, k की घात 3, और ये हो जाएगा 6 की घात k स्क्वायर, और ये बच ये आएगा 9k, और ये +4 बटे में जो भी है 4k+1 k+2 और k+3 है, ठीक ना। तो अब देखिए नीचे वाले में देखिए हमको क्या चाहिए, 2 और 3 है ना, k+2 और 3 और 4 चाहिए, हमको k+1 नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको यहाँ पर एक इसका जब गुणनखंड करेंगे हम तो हमको k+1 मिलेगा, ठीक ना, जिससे वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको ऊपर वाले को है ना अंश को हम k+1 से भाग दे के ही देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहीं भाग दे लेते हैं, देखिए ऊपर का जरूरत नहीं है, इसको ऊपर का मिटा लेते हैं, यहाँ तक मिटा लेते हैं, ठीक ना, और यहीं भाग देते हैं। तो इसमें देखिए लिखेंगे, देखिए भाग ऐसे देते ही हैं, 3k+6k² + 9k+4, और इसको हम k+1 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए भाग कैसे देते हैं, पहले का पहले से भाग करते हैं। तो जब आप k³ को k²² से भाग करेंगे तो यहाँ पर केवल k₁ बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम k लिख देंगे, तो ये k³ प्राप्त हो जाता है। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे, k में किया तो k² आएगा, यहाँ पर ये k है केवल, तो स्क्वायर आ गया, ठीक ना। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये तो k³ आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1k² आ जाएगा। चिन्ह घटाते हैं, घटाना के है ना, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है और ये कट जाएगा, 6 में 1 गया तो 5k² + 9k+4 आ गया, मतलब एक चरण समाप्त। एक काम फिर करेंगे हम, 5k² में k का भाग करेंगे, 5k² में k से भाग करेंगे तो ये कैंसिल, 5k आया, तो हम यहाँ पर 5k रख देंगे। इस 5k का दोनों पदों में गुणा करके नीचे लिखा जाता है, तो इसका जब इसमें करेंगे तो 5k² आ गया, प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 5 एक कम 5, तो ये 5k आ गया। अब इसका घटाएं, चिन्ह घटाते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये 9 और 10 दोनों में है, 9 में 5 गया 4k, अब +4 ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, 4k पहले का पहले से भाग देते हैं, 4k का k से भाग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 4k+4, चिन्ह बदलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहीं पर कर लें चाहे ऊपर कर लेते हैं, तो देखिए हम यहीं पर कर लेते हैं, तो ये आया, चलिए यहीं कर लेते हैं, तो ये आया देखिए k+1 k² + 5k+4 बटे जो नीचे लिखा वो लिख लेते हैं, k+1 k+2 और k+3, ठीक ना। तो ये वाला देखिए कैंसिल हो गया, अब ये गुणनखंड फिर होगा तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² + 4k+1k+4 देखिए इसको कर सकते हैं 4k, देखिए इसको कर सकते हैं k+4k+4 बटे 4k+2 k+3, गुणनखंड कर लिया। तो इसको गुणनखंड करेंगे, देखिए कॉमन निकल जाएगा k इसमें, तो हो जाएगा k+1 और ये हो जाएगा 4k+1, और देखिए इसको जब एक बार ले लेंगे तो जाएगा k+1 और k+4, ठीक ना। इसके बटे में अब लिख लेते हैं, ये आ गया 4k+2 k+3, तो देखिए इसका दायां पक्ष हमको प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार p k+1 सत्य है जब कभी p k सत्य है। तो देखिए इसके बाद लिख देंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक ना, जो लाइन लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, या उस लाइन को आप याद कर लीजिए, अतः गणितीय
आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए कथन pn सत्य है। ठीक ना, तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, इसको हल करेंगे तो पूरे कथन को हम पहले मान लेते हैं। माना pn a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar n माइनस 1 बराबर ar के घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1। अब हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं, के लिए तो लिखते हैं यहाँ p1। इसमें देखिए पहला पद होता है, ठीक ना, तो इसमें देखिए पहला पद क्या है, यहाँ पर ये 1 है, ये सॉरी a है, ठीक ना, n के स्थान पर 1 रखना है। अब देखिए इसमें पहला पद ये a है तो a लिख लिया हमने, बराबर a r, यहाँ पहला पद 1 है, माइनस 1 बटे r माइनस 1, ठीक ना, n के स्थान पर यहाँ पर 1 रख दिया, तो इससे क्या प्राप्त हो गया, a बराबर a r माइनस 1 बटे r माइनस 1। तो देखिए कट के हमको a बराबर a प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार लिख सकते हैं जो सत्य है। ठीक ना, तो अब हम लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है। ठीक ना, पी के सत्य है, तो हम इसको पूरे को पी के रूप में लिख लेंगे। लिखा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए के माइनस 1, ठीक ना, बराबर ए आर के घात के माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ठीक ना, ये लिख लिया हमने, सब जहाँ जहाँ भी n था वहाँ पर हमने k मान लिया। अब लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे p k प्लस 1 सत्य है। ठीक ना, तो अब लिखेंगे, देखिए p k प्लस 1 a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के माइनस 1, यहाँ तक तो k पद हुआ। अब इसके आगे लिखेंगे ए आर के प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर अगर हम k प्लस 1 रख दें तो देखिए k प्लस 1 और एक माइनस 1 है, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा तो केवल k बचेगा। ठीक ना, एक k बचा, बराबर इसमें लिखेंगे a आर के प्लस 1 माइनस 1 बटे आर माइनस 1 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ भी n है वहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 वहाँ पद हमको प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक k पद है, ये वाला k प्लस 1 वाँ पद है, इस प्रकार k प्लस 1 हमको पद प्राप्त हो गया। अब हमको बायां पक्ष लिखेंगे, ठीक ना, तो बायां पक्ष में ये है, छोटा हम लिख लेते हैं यहीं पर, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के माइनस 1 प्लस ए आर के, ठीक नहीं, बायां पक्ष लिख लिया, इसको हम हल करेंगे तो इतना हमको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान तो दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लिखेंगे ए आर के घात के माइनस 1 बटे आर माइनस 1 प्लस, और देखो इसको लिख लेते हैं ए आर के, ठीक ना, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। अब देखिए ये लिखा a r के घात के माइनस 1 बटे r माइनस 1 प्लस,
जब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो जगह ये देखिए यही यहाँ भी आर माइनस वन ए आर के हो जाता है, तो ये पूरे के बटे आ जाता है अब, ठीक ना, ये पूरे के बटे में आ जाएगा और ये आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक ना। ये लघुत्तम ले लिया, अब क्या करेंगे अंदर गुणा कर लेंगे, तो देखिए यही कर लेते हैं पहले, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए आर के माइनस ए, ए गुणा अंदर कर लिया, अब इसमें देखिए करेंगे पहले आर गुणा इन लोगों में कर लेंगे तो लिखेंगे ए आर आर के घात के, फिर माइनस वन कर लेते हैं तो माइनस ए आर के बटे आर माइनस वन कर लिया, ठीक ना। तो देखिए सेम चीज़ था ये तो कैंसिल हो गया, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, देखिए ये आर वन है यहाँ पर, ठीक ना, तो इस प्रकार आर के है और यहाँ आर वन है, तो इसको लिखेंगे आर के प्लस वन और ये ए लिखा हुआ है, माइनस ए लिखा हुआ है बटे आर माइनस वन लिखा हुआ है, इसमें से ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए आर के प्लस वन माइनस वन बटे आर माइनस वन, तो देखिए ये आ गया हमको जो दायां पक्ष में प्राप्त करना था, तो लिखेंगे दायां पक्ष, ठीक ना। तो अब इसके नीचे जो लिखते हैं इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यही से इतने में हो जाएगा, इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए कथन Pn सत्य है, ठीक ना। देखिए इस प्रकार प्रश्न में 12 हल हो गया।